So वेल वेलकम टू द चैनल गाइस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। सो आज मैं थोड़ा फ्री था और मॉम डैड एक्चुअली गए हुए थे थोड़ा घूमने, और डैड का एक प्रोजेक्ट बहुत देर से लटक रहा था जो हम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन स्केड्यूल बन नहीं पाया। तो आज एक्चुअली वो घर पे नहीं है, तो मुझे एक ख्याल आया मन में कि क्यों ना वो प्रोजेक्ट मैं करूँ और उनको सरप्राइज़ दूँ। तो जब वो वापस आएंगे तो होपफुली वो खुश होंगे कि चलो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब वो प्रोजेक्ट है क्या वो बताते हैं आपको। सो ये फेंस लगी हुई है, फेंस के साथ ही मॉम ने पौधे लगाए हुए हैं। जो हमारा यहाँ पड़ोसी है वो भाई साहब थोड़े बुज़ुर्ग हैं और वो सफाई नहीं कर पाते, तो काफ़ी ज़्यादा कचरा उनके साइड पर पड़ा हुआ है, पत्ते वगैरह ये वो, तो वो काफ़ी मॉइस्चर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो ये पोस्ट है जिसने ये फेंस को पकड़ा हुआ है, ये एक्चुअली नीचे से थोड़ा गल गया है। अब गलने की वजह से क्या हो गया कि वो ज़मीन छोड़ चुका है वो पोस्ट। इस वजह से वो जो फेंस की जो पैनल है यहाँ से आ रहे हैं उनका वेट वो कैरी नहीं कर पा रहा है। सो ये होना है ऐसे चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वेट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको अगर मैं छोड़ूंगा, देखो ऐसे है, राइट। सो इसको ठीक करना है। अब इसको ठीक करने का एक बहुत सिंपल तरीका, ये सिंपल नहीं एक्चुअली, जो तरीका ये है कि ये जो पैनल है इसका निकालो, पोस्ट निकालो, उधर वाला पैनल भी निकालो, नीचे से सारा जो सीमेंट है वो भी निकालो, नया पोस्ट लगाओ, नए पैनल्स लगाओ। लंबा प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा। उसमें दूसरा चैलेंज हमें ये है कि ये सारे जो पौधे हैं ये हमें काटने पड़ेंगे क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है पैनल्स के ऊपर। अब मॉम नहीं चाहते कि हम पौधे काटें। सो अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कि इस पोस्ट को बगैर निकाले कैसे हम सीधा कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप कीजिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, बिकॉज अपनी ज़िंदगी की और इस तरह की प्रोजेक्ट्स की वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं हर वीक। तो आप कीजिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, यहाँ पे होगा नीचे कहीं पे, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपकी भी फ्रेंड्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इसको सीधा कर सकते हो। सो जब हम इसको डिस्कस करते थे कि कैसे करें, तो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि इसको निकाल के सब कुछ यहाँ से काटो, दोबारा पोस्ट लगाओ, गड्ढा करके, सीमेंट करके, लेवल करके और फेंस को दोबारा लगा दो। हम वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा और ये सारे पौधे भी बेचारे काटने पड़ेंगे जो हम नहीं काटना चाहते। और उसके लिए आपको चाहिए एक चमत्कार। वो चमत्कार है ये है वो चमत्कार। इसको कहते हैं इजी मेंडर। अगर आपको थोड़ा पास से दिखाऊं तो ये क्या है कि ये पोस्ट की एक्चुअली विड्थ का है आइडिया। अब ये है, इसको अगर मैं आपको दिखा सकूं, आइडिया बहुत सिंपल है कि इसको पोस्ट के साथ लगाकर यहाँ से इसको थोड़ा मारकर अंदर करो। ये ऑलमोस्ट 1.5 फीट के करीब है, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ये 1.5 फीट के करीब है, वो अंदर चला जाएगा और जो ये हिस्सा बाहर रह जाएगा उसमें स्क्रू लगाने की जगह है, और आप पोस्ट को स्क्रू लगाओ तो वो उसको पोस्ट को अपनी जगह पर पकड़ लेगा। बहुत ईजी है ये, और दूसरी बात यह है कि बहुत सस्ता है। इट्स ओनली आई गेस $10 का लिया था मैंने। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा और आप इसको ख़रीद सकते हो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है। कैनेडा US में होम डिपो से भी मिल सकता है, लोज में भी है, एंड मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया था, तो मैं अमेज़ॉन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि सबसे सस्ता वहीं पे मिला था मुझे। सो चलिए, अब मेरा आइडिया ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इस दीवार के साथ लगा के इसको थोड़ा पीछे कर दूँगा ताकि ये मेरे जो वर्क एरिया है उससे दूर चला जाए। फिर इसको नीचे रखा जाएगा। इसको रखने के बाद पोस्ट के साथ हथौड़ी मार के इसको नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा और उसके बाद उसको पोस्ट के साथ स्क्रू कर दिया जाएगा। दैट्स अ होल प्रोसेस, बहुत इजी है। तो जैसे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अभी म्यूज़िक के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे ये काम करूँगा सारा। आप म्यूज़िक को इन्जॉय कीजिए और साथ में देखिए कि कैसे। देख सकते हैं कि ये सपोर्ट मैंने लगा दी है दीवार के साथ ताकि ये थोड़ा उस साइड पर चला जाए और मैं आराम से यहाँ पे इसको मेंडर को रख के यहाँ पे आइडिया है कि इसको ऐसे रखेंगे और इसको ठोकना है नीचे, एंड दैट्स इट। जब ये पूरा नीचे ठुक जाए, 1.5 फीट अंदर चला जाएगा ज़मीन के अंदर, तो ये ऊपर से इसको स्क्रू लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
एक चीज़ करनी है वो ये करनी है कि ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं इनको स्क्रू करना है, यहाँ पे स्क्रू के होल दिए हुए इन्होंने ताकि ये पोस्ट इसके साथ इसको अच्छी तरह पकड़ ले। ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है अब। ये एक्चुअली ये तो इसको बांधा हुआ था इसलिए दैट्स इट। सो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हो गया सक्सेसफुल। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि एक तो $10 का है, ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ा, सारे पैनल नहीं निकालने पड़े हमें। ये थोड़े थोड़े पैनल जो इधर उधर हैं ये तो आप स्क्रू करके अभी मैं ठीक कर सकता हूँ इनको। सो या सी ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। वेल ये प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म। बगैर हमने फेंस पोस्ट को निकाले हुए हमने उसको सीधा कर दिया, सिर्फ $10 लगे हमारे, आधे घंटे में एक्चुअली हो जाता है ये। सो आई गेस दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट जिसने भी बनाया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपकी फेंस थोड़ी टेढ़ी है तो आप भी ये प्रोसेस यूज़ करते हुए इसको सीधा कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ। अगले वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, be kind to each other.